अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तो क्वेश्चन नंबर जब थर्ड देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कन्वर्ट 200 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो कितना लिखा है सबसे पहले 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मीटर में। अब जब 1000 मीटर में बदल गया, ठीक, तो सबको जीरो एक में कर लो, 200 इंटू 1, 2, 3। अब मीटर को चेंज करो तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। यहाँ पे लिख भी देते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर। तो आप टोटल काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे पीछे गिनो कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको लिख सकते हैं 2×10⁻⁷, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे 2×10×10×10×10×10×10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और × 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके, तो सबकी पावर कितनी होती है, 1, 1 होती है, ठीक, तो पावर ऐड हो जाती है। बजाय तुम इसको ध्यान में रखने के पीछे ध्यान रखा करो कि किसी नंबर के पीछे जितने जीरो होते हैं, ठीक, उसको तुम 10⁻⁷ में उतना ही लिख दो। 10⁻⁷ में कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 2⁷ हो जाएगा, 2×10⁷। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5628 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसको मिलीग्राम में चेंज करना है, ठीक। तो सबसे पहले 5628 में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक, ठीक है ना। और ये हो गया ग्राम में, ठीक, लेकिन इसको चेंज करना है मिलीग्राम में, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1 ग्राम में होते हैं 100। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ शायद 100 होते हैं, 100, चलो देखते हैं करके, 5628 × 100 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 1000, ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 मिलीग्राम, करें भाई इसको, तो आ जाएगा 5628, 1 ग्राम में 1, 2, 3 × 1,
तो फिर पॉइंट हटाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो ये हो गया मिलीग्राम, यानी 5.628 ऐसे लिखेंगे। यहाँ ये जीरो बना हुआ है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक। तो आ जाएगा 10 की पावर, कितने प्लेस आगे आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हो जाएगा 10 to the power 9, ठीक है। ये हो गया मिलीग्राम, ठीक है बेटा। ये पीछे दिखाई नहीं दे रहा, फिर से दिखाते हैं। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक, और 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम, ठीक है ना, mg। तो देखो पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो आया 1000, ठीक, 1000 ग्राम हो गया। अब ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करें तो फिर से हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5628 के पीछे कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 60, 30 ये, 30 ये, टोटल कितने हो गए अगर काउंट करें तो। इसके पीछे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लगा होगा, तो यहाँ से अगर हम राइट साइड में जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट उठा करके, मान लीजिए इनके पीछे यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ हमें लाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को हमने कितने प्लेस आगे ले गए हैं, 9 प्लेस आगे। ओके बेटा।